हैं यूनाइटेड प्रोविंस जो अलायंस है इनका, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने 10 साल हम पर शासन किया और उसका आपको खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। यदि बात करूं मैं यहाँ पर 370 की सेंटर में आपकी, इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल कठुए मेडिकल कॉलेज बायोटेक पार्क आज हर जगह दी डेवलपमेंट बढ़िया तरीके करने मोदी साहब ने की है और ओदे कने कने इस डेवलपमेंट ओदे कने कने आज इंडिया का नाम पूरी दुनिया च दिखो कितना मजबूत किया। अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते। आज मोदी साहब अमेरिका जाते ना, न्यूयॉर्क जहाज उतरता, उत्थे दे अंग्रेज लोग दिखण आते भाई इंडिया का कोई बादशाह लगा और अपनी संस्था दुनिया उठे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा दी। वो लोग भी ये गल आखते कि नहीं मोदी सही बने, वो आखते जेड़े पहला इतने है वह सानू गुमराह करिए रखे, झूठ मारे, फरेब फराड करते हैं। इस वास्ते अज जिले उनदिया रैलियां होंदिया ना महबूबा मुफ्ती इतने आखदी आओ आंदा नहीं, क्योंकि लोगों पता भला साड़ा करी सकता एक मोदी सरकार। इस वास्ते मेरे साथियों जड़िया गल्लां तुसीं इत्थे कीतियां, पानी दी गल्लां, गली दी, नाली पुली, कुदे बिजली दी समस्या, कुदे मीटर दी प्रॉब्लम इत्थे दसी, ये भी सारियां ठीक हो जाणियां, एक एक चीज ठीक करनी है। लेकिन मेरी एक गल याद रखियो कि मोदी है तो कम है, ये पैसा पहले भी दिल्ली तो आंदा हा इत्थे, लेकिन सब लुट खसूट मची दी होंदी। जेड़े बड़े बड़े नेता इत्थे होंदे है ना, जिन्हें अज बड़ी तकलीफ है, इलेक्शन नहीं होआ दा है इत्थे, की नहीं होआ दा, वो एक कारण है कि वो जेड़े रड़ा दे इलेक्शन नहीं होआ दा, जेबां खाली हुई वो दाल उपा दिन के कोले दाल लगे ते सारा काम अभी आगे कितना काम क्यों करा दे हो। कई बार वो आखिर 70 साल च इन्ने काम नहीं होए जिन्हें मोदी साहब ने 10 साल कीते। तो मेरे साथियों ये जरा जन संवाद है इहदा एक मुख्य उद्देश्य यह है कि 2024 च जिले मोदी साहब का परती इलेक्शन होया फिर एक जुट होइए असें सारे काम करना। अदा मेरा काम इे करो ते साथियों मेरी माता भेनों इस वास्ते असें देखो अपना देश भी मजबूत करना, ये डेवलपमेंट भी चलती रहे और शांति बहाली भी हो और देश मजबूत हो। एक घोष कर रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जनता पार्टी देश बूथ संवाद अभियान दे इस कार्यक्रम वार्ड नंबर 11 कठुआ च साढ़े जिला प्रधान गोपाल महाजन जी, साढ़े DDC दे चेयरमैन कर्नल मान सिंह साहब, वाइस चेयरमैन बबलू जी, साढ़े मंडल अध्यक्ष इत्थे दे और इत्थे दे वार्ड मेंबर करण जम्बाल साहब, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर साथी सहयोगी, तिलकराज भगत साहब, इंदु रेखा जी, रेखा कुमारी जी और उपदेश अंडोत्रा जी, जिन्हें इतने गलबात रखी, मीरा दसरोटिया जी, विशाल जी, जिन्हें भी साथी सहयोगी, माता भेड़ा नौजवान आदर, उसे सारे मेरे तरफ नमस्कार है, प्रणाम। साथियों
जड़ा कार्यक्रम आज चला था, मोदी साहब की सरकार के 9.5 साल पूरे होने उपर जम्मू कश्मीर की हर पंचायत और हर वार्ड इस चाली के प्रोग्राम अस कर रहे हैं और इहदा नाम है संवाद। मीरा जसरोटिया जी ने इत्थे बीजेपी के बारे च, गोपाल महाजन जी ने, करण जमवाल साहब ने इत्थे काफी डेवलपमेंट की चर्चा की थी। उसे तरीके कने इत्थे माता भेड़ा भी फिर परतिए लोकसभा दे इलेक्शन आ गए और लोकसभा दे जड़े सारी मोदी सरकार है और मोदी सरकार की चर्चा, मोदी सरकार ने जड़े काम किते ओदी चर्चा आपस च कर। पिछले 9.5 साल च दिखो मोदी साहब ने अगर अस दिखचै ऐसिया स्कीम लाइया जेदे कन्ने लोकें की पर्सनल बड़ा फायदा। स्लिप होई आ, बार टूटी गई, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, सेवा दियां फटियां लाइए रस्सी कन्ने बनी उठते कि सरकारी हॉस्पिटल इलाज तो फ्री होंदा है लेकिन दवाइया ओदे आस्ते पैसे चाहिए। ते मोदी साहब आए, उन्हें गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत और जम्मू कश्मीर च हर व्यक्ति गरीब है, मजदूर है, किसान है, रेहड़ी वाला, फड़ी वाला, दुकानदार, सरकारी मुलाजम, फौजी, पुलिस वाला, हर व्यक्ति की गोल्डन कार्ड आयुष्मान का फायदा दिता और इलाज के कने 5-5 लाख रुपया एक एक साल का उस गोल्डन कार्ड थुआ अगर कोई बीमार हुई है इलाज कर। आज करोड़ों लोगों ने फायदा लेता और अपना इलाज गरीब गुरबे लोग और बाकी लोग करा। साथियों में ग्रांच गे रहा, आज हीरानगर है, जसरोटा है, डींगा अंब, कीड़िया, सांबे, 7वां-8वां आज प्रोग्राम है। मैं ग्रां ग्रां गया, लोके पूछया जेड़े गरीब गुरबे लोके दे मकान बना दे, उन्हें आख्या जी बना। एक दौर हा जदों कांग्रेस पार्टी दी सरकार होंदी ही और इंदिरा आवास योजना उहदा नाम होंदा हा, एक साल च एक मकान गरीब लई आंदा। अज एक एक पंचायती च 100-100 मकान। एक साड़ी भैन है, केह नाम उहदा, और डीडीसी सुषमा, वो आखन लगी मेरे डीडीसी दी एक पंचायत है जिथे 201 मकान आया एक साल च और 180 बनी है, 21 बचे। ये मोदी साहब के काम कर सकते कि गरीब लोग जिंदे सिर छत रहा उन्हें छत दिता। कोरोना काल आई आ, फ्री वैक्सीन लाइए, देश के लोगों को कोरोना तो बचाया। आज गरीब परिवार जेड़े किसान उनके खाते 6-6 हजार, गरीब लोगों की राशन फ्री, ऐसे अनेक काम माता भेड़ आई दी गरीब परिवार दे माता भेड़ की फ्री गैस दे सिलेंडर कनेक्शन और लाडली बेटी योजना। एक दौर होंदा हा परिवार च कन्या का जन्म होंदा हा ते गरीब गुरबे थोड़े परेशान हो जाते, लेकिन अज कन्या का अगर जन्म होंदा परिवार च ते वो फॉर्मेलिटी पूरी करिए ते लाडली बेटी योजना उन्हें मोदी साहब ने दिता।
और साथियों, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये वो काम होए जिसी अस गलाने पर्सनल बेनिफिट स्कीम, खाते च पैसे, परिवारी मकान, गोल्डन कार्ड, फ्री राशन, ये वो स्कीम मोदी साहब दियां जेदा फायदा पर्सनल लोकी, एक दुआ कम्युनिटी, सामाजिक कम्युनिटी बेस्ड सड़का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, एवे गेदा कीड़िया गंडिया, वो आख लगे 70 साल गुलामी च है, मोदी साहब आए आज आसे आजादी थो। दो पंचायत 165 करोड़ का पुल, अस पहले भी तमाम बॉर्डर दे एरिए च, मैं 2012 च युवा मोर्चा का प्रधान बनिया हा जम्मू कश्मीर यूथ बीजेपी का, मैं कई बार इस एरिया हीरा नगर ए साढ़े नगरी ए तमाम इस एरिए च जम्मू तक बॉर्डर दे एरिए च बड़े टूर लाए, किन्नी बुरी हालत होंदी ही, और अज इस बॉर्डर दे एरिए जाओ ये लगता कि चंडीगढ़ शहर दी सड़क, अज एक्सप्रेस हाईवे, रेल की कनेक्टिविटी, कल परसों साढ़े रेलवे मंत्री आखा दे है कि 31 मार्च 2024 थू पहले पहले रेल गड्डी कश्मीर पुजानी है, किन्नी कनेक्टिविटी हो जानी, ग्रां ग्रां दिखो जल जीवन मिशन, पीने का पानी, पीने का साफ, हर घर में नल और नल से पीने का साफ जल, ये मोदी साहब का नारा। एक दौर हा कि बॉर्डर दे एरिए एक कठुआ का एरिया उधमपुर जम्मू लोगों बड़ी तकलीफ आती ही, लेकिन 2014 तो बाद मोदी साहब ने बड़े गजब के अच्छे काम किए, पूरे हिंदुस्तान विच एक एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, हुण कुछ इस हाथ